चार दिन पहले कुएं में गिरे युवक को निकाला। कहते हैं मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। यही वाक्य आज दौसा में भंडा रेज मोड़ के पास देखने को मिला, जहां एक युवक चार दिन तक सूखे कुएं में पड़ा रहा और रोज चिल्लाता रहा, लेकिन किसी के कानों तक आवाज़ नहीं पहुंच पाई। कल से कुएं के पास रहने वाले किराएदारों ने युवक की आवाज़ तो सुनी थी, लेकिन पास में ही NH और 21 और दिगंबर कॉलेज होने के कारण कोई समझ नहीं पाया कि यह आवाज़ कुएं से आ रही है या कहीं और से। आज फायर सेफ्टी कॉलेज के संचालक शीश राम गुज्जर ने बताया कि हम कॉलेज के ऑफिस में बैठे हुए थे और हमें कुएं से बचाओ बाहर निकालो जैसी आवाज़ आई, तो हम कुएं पर पहुंचे। वहां जाकर देखा तो एक युवक कुएं के अंदर पड़ा हुआ था। युवक ने पीने के लिए पानी और खाना मांगा। कॉलेज संचालकों ने रस्सी की सहायता से युवक तक पानी और खाना पहुंचा दिया। फिर पुलिस को सूचना देने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से रस्सी से बांधकर युवक को बाहर निकाला। युवक को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर है। युवक दौसा के वार्ड नंबर 2 के पास मोड़ा पट्टी का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि 3-4 दिन से घर से लापता था। युवक के परिजनों ने कल ही दौसा पुलिस अधीक्षक को युवक की बरामदी के लिए ज्ञापन भी दिया था। प्रथम दृष्टया युवक मंद बुद्धि नजर आ रहा है। मामला है क्या बता? थाने पर सूचना मिली कि भारदेज मोड़ के पास एक कुएं में लड़का गिरा हुआ है, जिस सूचना पर हम रवाना होकर भारदेज मोड़ पहुंचे, जहां पर ग्रामीण जन पहले से उपस्थित थे। ग्रामीण जन की मदद से या पुलिस की मदद से इसको कुएं से निकलवाया गया। तो इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया करीब मैं 3-4 दिन पहले का इस कुएं में गिरा हुआ हूँ, जिसको निकलवा करके सरकारी अस्पताल दौसा में लेके आया, इसका इलाज जारी। कुआ कोई पानी कहता है, सूखा हुआ था? कुआ सूखा था जिसमें पानी नहीं था। ये रहने वाला कहाँ का बता रहे? रहने वाला ये मोड़ा पट्टी का है। वहाँ कैसे पहुँचा कुछ बताया इसने? अब ये तो बता रहा है कि जो मैं सब किसी के साथ गया था और वहाँ से चला गया, मेरे को पता नहीं चला। कुआ है रोड हाईवे के पास में है, तो ये बता रहा है कि मैं चला गया था, मेरे को दिखाई नहीं दिया। मैं आपको